जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप जो आपके सीरियस जो शायरी होती है वो बड़ी कमाल की होती है, कुछ हो जाए जाकिर भाई। एक आधा शेर, एक क्योंकि आपका शो साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं जी। तो एक शेर का है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। वाह, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम लगाने। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर उधर करना क्या। भाई साहब एक बात बताओ जी साहब, एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है जी साहब, सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं, ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। तो देखो सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। तो ऐसे एक दो पिघले शेर बता देता हूँ मैं आप लोगों को जी, ठीक है ना। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। कौन से दरवाजे खोल दिए घर पे, लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए। एक हो जाए हल्का लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है, पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज खुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे, इंटरनेशनल तो छोड़ो फ्लाइट फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा शुरू पुश्तैनी अमीर है सर, ये थर्ड ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को, मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया, तो उन्हें सैंडविच दिया, करी खोलना मत लैंड कर रहे हैं, मैं कहा तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था खाना तो पड़ेगा, पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, ठीक रहता है, मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में ही बैठा हूँ। अच्छा मैं जैसे मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था ऐसी खेल। वैसे तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हैं, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर किसकी बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई भाई सब ठीक है ना, है ना। फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि हाय हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो, मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता ना तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास वाले और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप यूट्यूब पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो, कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो, निकल जाती ना बात? नहीं यार साहब मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ, मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूँ मैं साहब, देखो अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। So ladies and gentlemen, please welcome with a great round of applause, the greatest comedian of India, Rajiv Thakur, urf Raju. Oh.
हेलो ये सब क्या है यार ये बड़ी प्रॉब्लम है बंदे को इंग्लिश ना आती हो ना तो बहुत प्रॉब्लम है अभी तो अनाउंस हुआ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन नहीं नहीं वो मुझे समझ में आ गया मैं सोच रहा हूँ लड़की की क्या मजबूरी जो तुम्हें ऐसा बोल रही वो आज मैं इधर स्टैंड अप करने आया हूँ अच्छा तो बीच में नहीं बोलना आज अच्छा अनुभव भाई अभिषेक भाई कुशा जाकिर भाई आज इतने इतने बड़े कॉमेडियन मेरा शो देखने आए हैं ओए तेरा शो नहीं देखने आए वो कितने साल की हो गई वो कौन तेरी गलत फहमी जो तूने पाल रखी है तेरा शो देखने आए तू गुस्सा है जबरदस्ती देखो खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे कटेगा क्या यही जो तू कर रहा है ये कटेगा यार बीच बीच में बोल रहे हो ये नहीं सोचते कि दोस्त आया परफॉर्म करने ऑल द बेस्ट बोल दूं ऑल द बेस्ट आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और भाई मुझे बोलना है मैं परफॉर्म कर रहा हूं उनको सुनना है वो सुन रहे हैं ये जो आप बीच बीच में बोलते रहते हो ना मैं आपको हाँ। एक आइडिया देता हूँ क्या एक शो बनाओ द कपिल शर्मा शो और उसे सोनीटी बेच दो तो चल ही रहा है 10 साल हो गए तो भाई जब 10 साल से तुम्हारा चल रहा है दस मिनट तो चल रहा था बात ये ले इधर आ ये कोई भी आपका कोई अमीर रिश्तेदार हो उससे पूछना कि ये कैसे कटता है इसको खाना भाई तुम ही रख लो तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हमारा रिश्तेदार जैसे आप यहाँ पर महंगे गेस्ट आते हैं ना सर ये मेरा है सुपर इटॉकीस तो यहाँ पर ना थोड़े सस्ते वाले गेस्ट मेरे पास भी आते हैं लेकिन आपके वो बहुत अजीज हैं अगर डुप्लीकेट होते हैं सर इसके सारे गेस्ट अगर आपकी इजाजत बुला लूं बुलाओ जी जी आइए सर परेली ये परेली का अंडरटेकर नहीं 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 कोरिया की चुड़ैल सॉरी 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 अरे तेरे जात का पैदा मारू क्या बात क्या बात क्या बात दादा आज बता ही दो क्या बात हाँ दादा आपकी पेंट धीरे धीरे नीचे जा रही है शब्बीर जी कैसे हैं आप आपने मेरे लिए गाना गाया था ना बहुत ही अच्छा था कौन सा जिहाल मस्किन मुकुन बरन जिस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है बहुत अच्छा गाना मेरा फेवरेट है इसलिए मैं कुछ लेकर आया हूँ अच्छा आइश अरे कोबरा है कोबरा लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है सनी का डायलॉग है अरे इसका नाम भी सनी है रे ये ले रख ले राजू क्यों अब तेरी एंट्री में फन ही फन होगा वैसे मेरा ऊटी में बहुत बड़ा होटल है और आप लोग बहुत लाइव शोज करते मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए लाइव शोज करें दादा आप भूल रहे हैं आप नकली हैं वो असली हैं बहुत महंगे सिंगर्स हैं वो अरे पैसा बोलना 35-40 लाख लेंगे बस 50 लाख दे देना बस 1 करोड़ दे देना अबे बस कर बोल रहा हूँ मेरा पैसा नहीं है बड़ी देर से वो बात नहीं बोली मुझे समझ नहीं आप क्या क्या जियाल मस्किन मुकुन बरंजी बेहाल हिजरा बेचारा दिल है 3-4 बार पहले बोल चुके हो आप तो तू बोल के दिखा अरे दिखा ना तो हाँ बोल बोल बोलता क्यों नहीं है अरे मत शर्मा एक तो तेरी टाइमिंग खराब थी मेरी भी खराब कर दी हाँ बोल के दिखा हाँ जी हाल मस्की मकुन बरिंदिश बिहार हिजरा हमारा दिल है ऐसे नहीं हाँ हिल के बोल के दिखा जी हाल मस्की रहने दे रे मकुन बरिंदिश ओए आगे भी तुम्हारा ऐसा ही है जो सुना रहे हो वैसी टाइप की चीजें भाग यहाँ से हाँ यही तो चाहिए मैम आप सोशल मीडिया पे कभी कभी फोटोग्राफ्स डालते हैं ना अपने फैंस के लिए हाँ. तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं मैं चाहूंगा कि आप कुछ फोटोग्राफ्स वहां पे देखें जी दिखाइए जरा ये अल्ताफ भाई ने फोटो डाला है अल्ताफ राजा लाइव एट नजीबाबाद और पीछे फिरंग ये अल्ताफ भाई पीछे फिरंगी लड़कियों की खड़ी है गाने तो आपके हिंदी है वो परदेसी है ना लफ्ज इसलिए परदेसी तो एक हुआ ये एक दर्जन क्या कर रही है पीछे आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं इनका मन तो कर रहा है पीछे मुड़ के गाएं लेकिन ऑडियंस के चक्कर में सामने देख के गाना पड़ रहा है
और दिखाइए, श्वेता शेट्टी जी ने ये फोटो डाला है, ओहो योगा करते हुए। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं हम, आप योगा कर रही हैं या फंस गई हैं? लगता है इनके पास इंच टेप नहीं है, ऐसे टेबल का साइज ले रही हैं ताकि इसका कवर खरीद सके। मैम ये श्वेता जी कौन सा आसन है ये वाला? ये आई डोंट नो। आर यू श्योर इट इज नॉट फोटोशॉप? नो फोटोशॉप बिल्कुल नहीं। और देखते हैं, इसको योगा ना समझे, ये पोजीशन कॉकरोच के आने पे हर लड़की बना लेती है। और दिखाइए, ओहो शबीर भाई ने ये फोटो डाला है सलमान भाई के साथ, ए हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हैप्पी बर्थडे सलमान, मे यू लिव टू सी एटर्नल इयर्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे सलमान खान। आइए कमेंट्स देखते हैं। सलमान के साथ बैठ के भी दूसरी तरफ देख रहे हैं, लगता है दूसरी तरफ जयाप्रदा निकल रही है। एक्टर को ही पता होता है कैमरा कहाँ है, शबीर जी तो रसोई की तरफ देख रहे हैं नान कब आएंगे। और दिखाइए, सनरीटा सुनीता, गोवा, गोवा में इतने सारे आ क्यों डाले आपने? लवली प्लेस एक्चुअली, या एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, आप इसे बिछा के ताश भी खेल सकती हैं। लगता है इनकी कोई सहेली अंदर बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है और ये बाहर खड़ी होकर ध्यान रख रही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।